हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टैंडअप इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है उसके सारे आइकन पे आपका फोटो होगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे मेरे फोटो है। यहाँ पर होम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनशॉट, ड्रीम इलेवन, फाइल मैनेजर, ड्राइव, कैलकुलेटर, फोटो, कैलेंडर, प्ले स्टोर, जीमेल ऐप है। सारे मतलब एप्लीकेशन के आइकन जो होते हैं उस पर मैं अपना फोटो जो कि डाला हुआ, सारे एप्लीकेशन के आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है उसके आइकन पर अपना फोटो लगा देंगे और कोई भी दोस्त आपका देखकर एकदम चौंक जाएगा, बिल्कुल जादू की तरह। दोस्तों, तो आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबसे पहले लाइक वाले बटन पर क्लिक करके सबसे पहले वीडियो का लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन इससे कुछ मुझे मिलता नहीं, लेकिन आपका मोटिवेशन जरूर मिलता है दोस्तों मुझे। और यहाँ सब्सक्राइब वाले बटन, यहाँ लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है, इसको क्लिक करके काला कर दें और बगल में आई हुए घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी को दबाने से हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा दोस्तों। और सबसे पहले नीचे यहाँ पर जाना है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो यहाँ पर आपको लिखना है आई लव दिस ऐप, तो आपको जरूर यहाँ पर कुछ भी लिखना है और लिखकर यहाँ पर आपको सबमिट करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इससे दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन के आइकन पे अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैंने सारे एप्लीकेशन में फ़ोटो लगाया। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कोई एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए इस पर जिस पर फोटो लगाना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पिक्सल लैब है, तो इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद चेंज आइकन पर क्लिक करना है। चेंज आइकन सेट पिक्चर पर क्लिक करना है। सेट पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे से जो है कि कोई फ़ोटो अपना ले लेना है। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैं अपना जो कि फ़ोटो ले लिया, यहाँ उसके बाद सेव कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आइकन जो है कि मेरा जो कि चेंज हो चुका है पिक्सल लैब पे। तो इस प्रकार दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन के आइकन को अपने फ़ोटो लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो ट्रिक बहुत कमाल की है। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कौन सी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है, उसमें क्या करना है। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है एपेक्स, यहाँ पर एपेक्स लॉन्चर। जैसे ही एपेक्स लॉन्चर करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस से आप दिख जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेने हैं और डाउनलोड करके सिंपली ओपन कर लेने हैं और आपके सारे होम स्क्रीन कस्टमाइज हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी आइकन को आपको चेंज करना है तो उस पर लॉन्ग प्रेस करके एडिट में जाकर उस पर फोटो सेलेक्ट कर लेना है गैलरी से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, थैंक यू सो मच।